नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं उस स्टॉक के ऊपर लगातार और बार बार क्वेरीज आ रही थी दोस्तों स्टॉक जो है दोस्तों एक समय में इतने ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूशन में ट्रेड कर रहा था कि इस स्टॉक के ऊपर जब मैं उस समय लाइव किया करता था लगातार क्वेश्चन आते थे और मैं हमेशा कहता था तो भाई देखिए आइडिया फोर्ट मुझे ऐसा कंपनी पूछेंगे आने वाले समय टेक्नोलॉजी पूछेंगे मुझे बहुत पसंद है ठीक है इसकी ग्रोथ आने वाले समय बहुत अच्छी होगी लेकिन वैल्यूएशन सिर्फ एक्सपेंसिव नहीं है अल्ट्रा एक्सपेंसिव हो चुकी है और भाई मैं हमेशा कहता हूँ मुझे अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है ठीक है तो मैं उस स्टॉक की गिरावट का इंतजार करता हूँ अगर ट्रेन छूट चुकी है जब मैं कहता हूँ ट्रेन छूट चुकी है मतलब स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा भाग चुका है ठीक है यार स्टॉक स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स रखे हैं अब जब स्टॉक में एक काफ़ी अच्छी गिरावट हो चुकी है एक डिसेंट गिरावट हो चुकी है क्या ये स्टॉक द परफेक्ट स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के लिए वो क्या चीज़ है जो स्टॉक में इतनी ज़्यादा गिरावट दिखाई और अब जो दोस्तों वो क्या चीज़ है जो इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस ओवरऑल आपको देखने को मिल रहा है आप कह सकते हैं जो आर्टिकल मैं आपके सामने लाने वाला हूं मनी कंट्रोल का वो आर्टिकल है तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करने वाला हूं अगर आप आइडिया फोर्ज में निवेशित हैं या आप निवेश की सोच रहे हैं दोस्तों यकीन मानिए ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी बट निवेश से पहले मैं आपसे कहूँगा पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि कई लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि कंपनी का जो नेचर है वो क्या है नेचर ऑफ बिजनेस क्या है ऑर्डर बुक का नेचर क्या है क्यों इसकी ऑर्डर बुक इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल रहती है और अभी देखिए सबसे बड़ा खतरा बाज़ार में ये है कि भाई साहब पिटाई बहुत रही है मिड कैप स्मॉल कैप्स की और ओवरऑल बाजार की और वो स्टॉक जो बहुत ज़्यादा वैल्यूशन में थे वो काफी अच्छा करेक्ट हो चुके हैं और अब यहाँ पे आपको एक्मोलेशन के बारे में सोचना है ठीक है और मैं हमेशा कहता हूँ वो स्टॉक जिसकी ग्रोथ अच्छी होने के चांसेस हैं फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है जो अपना मार्केट शेयर अपनी मार्केट पोजिशन लगातार मजबूत कर रहा है और आइडिया फोज ने यह किया भी है आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा कुछ दिन पहले एक और खबर आई थी कि भाई कंपनी अमेरिकन मार्केट में एंटर कर रही है उसको लेकर के भी चर्चा की गई है और कैसे जो नेक्स्ट ईयर है शायद वहाँ से कुछ एक दो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबरें आती हों आपको दिखाई दें तो ये तमाम चीज़ें बहुत ही शॉर्ट वे में आपके सामने मैं लेकर आऊँ मोरलेस टेन टू ट्वेल्व मिनट्स का ही वीडियो होगा दोस्तों इसके बाद वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा वरना अगर आप स्किप करेंगे ना तो बहुत सारी कुछ ऐसी माइन्यूट डिटेल्स हैं जो आप छोड़ देंगे ठीक है तो मैं आपसे फिर कहूँगा मैं इसी प्रकार की वीडियो बनाता हूँ दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएँ वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों तो अब सीधा वीडियो के सेकंड पार्ट में चलते हैं वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो चलते हैं दोस्तों एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन गिव आप देखिए सबसे पहले आईडिया फुल टेक्नोलॉजी क्या करता है ये इसके ऊपर एक छोटी सी चर्चा करते हैं देखिए ये एक लीडिंग प्लेयर है दोस्तों इंडिया के मार्केट में जिसे आम भाषा में हम ड्रोन भी कहते हैं दोस्तों ठीक है आप देखेंटिंग मार्जिन बीच में देखिये आप कह सकते हैं अभी भी कई इन्वेस्टर्स को दो ही कंसर्न है भाई साहब ग्रोथ और दूसरा मार्जिन और ये इतना बड़ा कंसर्न है स्टॉक में जो आप ऊपर से डाउनफॉल देख रहे हैं ये वन ऑफ द रीजन उसका ये भी है दोस्तों इतना ही नहीं मोर ओवर कंपनी ने यह कहा है दोस्तों कि कंपनी फिफ्थ पोजीशन आप समझिए देखिए बिजनेस में शायद कमी हो सकती है शायद सेक्टर स्ट्रगल कर सकता है फ्यू थिंग्स वेंट रॉन्ग ये भी हो सकता है किसी भी बिजनेस में लेकिन आप समझिए फिफ्थ कंपनी ग्लोबली आ चुकी है जो पहले सेवंथ में थी और सात नए पेटेंट कंपनी को मिले हैं आडिया फोर्स के अब देखिए जैसा मैंने पहले कहा है एक समय में ये निवेशकों का डार्लिंग स्टॉक होता था और अब जब ये लगातार गिरावट दिखा रहा है नो डाउट कंपनी बिजनेस आगे बढ़ा रही है कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है लेकिन हाँ कुछ कंसर्नस हैं और इसके साथ ही साथ जो बाज़ार में एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है वो स्टॉक में गिरावट हो रही है अब वो निवेशक जो एक्यूमोलेट जो ऊपरी स्तरों पे तो खरीदने तैयार थे लेकिन अब एक्यूमोलेट करने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं ठीक है थीके? आगे बढ़ते हैं अब थोड़ी चर्चा क्वार्टर में इस बार जो रिजल्ट है उसमें क्या होता है तो देखिए इस क्वार्टर में क्या हुआ कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग नंबर पेश किए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ में देखने को मिली क्यों बढ़ा रेवेन्यू एग्जीक्यूशन अच्छे रहे बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर्स हाथ में थे दोस्तों कंपनी ने काफ़ी हद तक टाइमली डिलीवरी भी की दोस्तों सम ऑफ द डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट की ठीक है हाँ बिजनेस में आप कह सकते हैं थोड़े बहुत कमी लंबीनेस आपको देखने को मिली क्योंकि भाई साहब मैग्नीट्यूड जिस प्रकार के ऑर्डर रहे ना वो इतने ज़्यादा बड़े थे और कुछ डिलीवरी शेड्यूल इस कारण प्रभावित नहीं ठीक है तो आप समझिए जो प्रॉब्लम आई वो भी इसलिए आई क्योंकि ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बड़े थे और डिलीवरी वो सही पे उतना नहीं कर पाए बट दिसंबर क्वार्टर ओवरऑल आप देखेंगे तो अच्छा था कोई बहुत शानदार था ये नहीं लेकिन खराब भी नहीं था दोस्तों नॉट जस्ट ऑन द एग्जीक्यूशन फ्रंट मार्जिन ने भी थोड़ी जंप दिखाई जी हाँ वो निवेशक जो आइडिया फोर्स को लेकर के थोड़े से कंसर्न थे आपको बता दूं मार्जिन में थोड़े हद तक थोड़ी सी जंप आपको देखने को मिली यहां पे कंपनी का जो एबिटा मार्जिन था अदर इनकम को आप हटा दे रहे हैं एक्सक्लूडिंग वहां पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली क्योंकि बिकॉज ऑफ हायर स्केल अच्छा रेवेन्यू मिक्स मिक्स और लोअर कॉस्ट ये तीनों का और देखिए जब भी किसी बिजनेस सिर्फ आइडिया फोर्स की बात नहीं हो रही है किसी भी बिजनेस में अगर आपको आपकी जो स्केल है वो लगातार बढ़ रही है आपका रेवेन्यू मिक्स अच्छा है कि भैया कहाँ से मार्जिन अच्छे हैं और कहाँ कम है उनका एक काफ़ी अच्छा मिक्स मिक्स रखें और अपनी कॉस्ट को लोअर रखें यही तो एक अच्छा कोड है बिज़नेस के लिए चलाने के लिए और फॉर्दर अगर आप फर्स्ट नाइन मंथ से कंपेयर करेंगे 52% का जंप आया है कंपनी का ईयर ऑन ईयर इन फ्रंट ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ तो आप समझिए कि जो कंपनी का जो क्वार्टर गया है ये कोई बहुत ज़्यादा खराब गया हो ऐसी बात कतई नहीं है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आप समझिए एक चीज को विथ अ डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ ड्रोन्स जैसा कि आपको पता है कंपनी के पास एक काफ़ी शानदार डाइवर्स पोर्टफोलियो है वेन इट कम्स टू ड्रोन केटरिंग टू वेरियस एप्लीकेशन बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो ड्रोन्स काम आते हैं कईयों को लगता है भाई साहब खाली डिफेंस में काम आते होंगे या थोड़ा बहुत जो आप रिकॉर्डिंग देखते हैं देखिए आप समझिए एक चीज को कंपनी सर्वेलेंस के लिए काम करती है ड्रोन्स की मैपिंग के लिए काम आते हैं इंस्पेक्शन के लिए काम आते हैं और आजकल तो देखिए चाहे वो डिलीवरी हो आप कह सकते हैं कीटनाशकों का छिड़काव हो और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको ड्रोन का इस्तेमाल कर दिखाई देगा और आइडिया फोर जो है दोस्तों वो काफ़ी मजबूत पोजिशन में है कि वो ये जो मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम आपको देखने को मिल रहे हैं तीन तो यही है और बाकी जो मैंने बताएं उसको कैपिटलाइज़ करने के लिए और जो लगातार कस्टमर की नीड लगातार इवॉल्व हो रही है उसको करने के लिए उसको कैश इन करने के लिए ठीक है आप देखें जिस प्रकार से लगातार डिमांड बढ़ती चली जा रही दोस्तों ड्रोन्स की ग्लोबली और रेगुलेटरी सपोर्ट फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया आइडियल फो है एम्पल टू एक्सपैंड इट्स मार्केट रीच बोथली लोकली एंड अब्रॉड ठीक है और अब देखिए ड्रोन भारत सरकार के लिए बिजनेस तो है ही है सिक्योरिटी का भी एक बड़ा कंसर्न है तो भारत सरकार का जो मैक्सिमम पुश आपको देखने को मिलेगा वो यही है कि भाई हम डोमेस्टिकली ड्रोन को जनरेट करें या मैन्युफैक्चरिंग करें और यहाँ से बाहर बकरवाएं। तो ऐसे में आइडिया फूड जैसी कंपनी जिनके पास टेक्नोलॉजी है पेटेंट्स हैं, कंपनी के पास एक्सपीरियंस है तो ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में कंपनी को बहुत बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाता हुआ आपको दिखाई देगा ठीक है बात करें स्पोर्ट की दोस्तों तो कंपनी यह कह रही है कंपनी इंडिकेट किया है कि भाई हम बहुत सारे जी हाँ हम बहुत सारे जो हैं वो अप्रूवल्स को ले में काम कर रहे हैं ठीक है बहुत सारे हम इंटरनेशनल बेसिस बना रहे हैं दोस्तों और स्टार्टेड डेमानस्ट्रेशन एज वेल एज ट्रेनिंग इन अ फ्यू ऑफ द एक्सपोर्ट मार्केट जैसे कि यू ठीक है और भैया हमको थोड़े दिन पहले इस न्यूज़ खबर आई थी कि यू में जो मार्केट है उसमें कंपनी एक्सपैंड कर रही है और तो यहां पे भी कंपनी कह रही है कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे बात करें नेक्स्ट ईयर की दोस्तों तो कंपनी एक्सपेक्ट ये कर रही है एक्सपेक्टिंग एक्सपोर्ट टू तो कॉन्ट्रीब्यूट मीनिंगफुल यानी अगले साल से आपका जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वहां से एक वाकई में फ्रूटफुल कॉन्ट्रीब्यूशन ओवरऑल रेवेन्यू में साफ साफ आपको देखने को मिलेगा ठीक है अगर हम आगे बढ़े यहाँ पे कंपनी की अगर बात करें डाइवर्सिफिकेशन की तो कंपनी ने इंडिकेट किया दोस्तों इज नॉट डूइंग ओनली सर्वेलेंस और मैपिंग कंपनी दो ही काम कर रही है बट हैड स्टार्टेड टू कैप्चर द वैल्यू चेन मूविंग टू इनटू अदर एरियाज लेकिन भैया आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कौन कौन से में हम इंस्पेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं हम डिलीवरी में भी आगे बढ़ रहे हैं यानी सर्वेलेंस और मैपिंग के बाद कंपनी दो और ऐसी चीज़ें जहां पर अपने आप को आगे बढ़ा रही है इसे नहीं इट इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज कंपनी बहुत ही ज्यादा अन्य अन्य टेक्नोलॉजीज में भी काम कर रही है दैट कैन ऐड वैल्यूज इन साइज और मार्जिन और वो चीजें साइज और मार्जिन में भी काम करते हुए आपको दिखाई देंगी ठीक है इतना ही नहीं अगर हम बात करें ऑर्डर फ्लो की तो जो ऑर्डर बुक है वो काफी हद तक अच्छा रहा है और कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 100 करोड़ रुपए रहने वाली है क्वार्टर क्वार्टर फर्स्ट 24 में थी विद जंप टू थ्री करोड़ जो एक क्वार्टर में, क्वार्टर में 24 में में फर्स्ट सौ करोड़ थी दो सौ 253 करोड़ रुपए आ गई है द पीक एंड देन श्रैंक नाउ टू अराउंड वन सेवेंटी फाइव करोड़ ठीक है वहां से भी अब थोड़ी गिरावट हो गई है और देखिए यही कारण है कि ऑलरेडी स्टॉक भी काफी हद तक करेक्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस लो वैल्यू एंड शॉर्टर एग्जीक्यूशन साइकिल दिस वॉलिट विल हैपन बट द ट्राजेक्टरी रिमाइंड गुड देखिए आप अगर आइडिया आईडिया में निवेश कर रहे हैं तो आपको यह भी पता होना पड़ेगा कि नेचर क्या है इस बिजनेस का देखिए कंपनी की लो वैल्यू और शॉर्टर एग्जीक्यूशन साइकिल होती है यानी जो आप कह सकते हैं ऑर्डर इनफ्लो आप कह सकते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूट करना पड़ता है और देना पड़ता है वो कोई बहुत लंबा नहीं रहता ये कोई आप एयरक्राफ्ट नहीं बना रहे हो कि आपको ऑर्डर लगातार मिलते रहे और तीन तीन चार चार पांच पांच साल में आपको एग्जीक्यूशन कर देने और यही कारण है कि जो शॉर्टर एग्जीक्यूशन साइकिल के कारण आपको ये जो है, ये जो है 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 देखने को मिलती है दोस्तों ठीक इतना ही नहीं आप देखें अब बात कर लेते हैं कि भाई जब सेकेंड क्वार्टर ट्वेंटी का अंत हुआ स्टॉक हजार दस में ट्रेड कर रहा था ठीक है लेकिन उस समय ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल वहां पे लिखा हुआ है कि भाई साहब ये जो वैल्यूएशन है बहुत प्रीमियम है अब मुझे समझ नहीं आ रहा है आप हज़ार के ऊपर आइडिया फूड्स को कैसे ले सकते हो प्लस जब उतने ऊपर के बाद गिरावट शुरू होती है जब गिरावट होती है मैं हमेशा कहता हूँ वो स्टॉक जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम में ट्रेड कर रहे रहते हैं वो स्टॉक जो अल्ट्रा प्रीमियम रहते हैं वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग होती है और वो यही कहा जा रहा है और आप जाके देखें टू तो गेट अ फेयर वैल्यू अगर हम वी मल्टीप्लाइड एनुअलाइज प्रॉफिट बाय अ फैक्टर ऑफ टू एंड अराइव फिगर ऑफ़ 150 करोड़

अगर भाई मेरा विजन यहाँ से तीन चार साल का है और एक ऐसा स्टॉक जो आने वाले समय काफी ग्रोथ दिखाने वाला है प्लस बाजार में जिस प्रकार की गिरावट दिख रही है यह स्टॉक अभी गिरेगा है, मैं ये मना नहीं करता सेवन सिक्स नाइनटी टू सेवन टेन के अगर निचले स्तर टूटेंगे जो रेंज टूटेगी तो फिर थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है बट ये लेवल यहाँ से एक्यूमोलेशन के लिए अच्छे हो सकते हैं एक डर बस मुझे यह है बाजार अगर इसी प्रकार की गिरावट इस कमजोरी दिखाता है तो अगर स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं भी गिरेगा ना दोस्तों तो कोई बहुत ज्यादा अपसाइड भी आपको नहीं दिखाने वाला ठीक है

ह्यूज ऑपरचुनिटीज है और आने वाले समय में कंपनी अपना प्रोडक्ट और मार्केट शेयर एक्सपैंड करेगी और मैं इसीलिए कह रहा हूं अगर आपका विजन लंबा है अगर आप यहाँ से एक्यूमुलेट कर सकते हैं तभी इन स्टॉक में निवेश करें ठीक है आपको जैसे मैंने बताया ऑर्डर बुक बहुत ज्यादा वॉलीडिलिटी रहती है दोस्तों इसमें ये चीज़ों को प्लीज़ अपने दिमाग में जरूर जरूर रखिएगा दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट आप कह सकते हैं एनालिसिस के लिए एक अच्छा वीडियो रहा होगा वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ये शुरू का अंदर है हिंद दोस्तों